गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज क्लास 8, चैप्टर 1, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई अ नाउन। ओके, अब डिटर्मिनर्स के जो आपने जो ये दिख रहे हैं हाईलाइटेड वर्ड, दिस आर्टिकल, सम कन्फ्यूजन, योर पेंस, एवरी एम्प्लॉई एंड द टेस्टियस्ट फ्रूट, तो ये सब क्या हैं आपके जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं आपके? नाउन और मोस्ट ऑफ द नाउन, नाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। जैसे एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं, ये नाउन की कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं जो नाउन की क्वांटिटी बताते हैं, कुछ उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कुछ उनको डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं। तो काफ़ी सारे डिटर्मिनर्स हैं जिनकी बहुत सारी क्या हैं, पार्ट्स हैं। यस, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स, इंट्रोगेटिव एंड पजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। क्वांटिफायर्स में सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल। तो ये क्या होते हैं हमारे डिटर्मिनर्स? मैनी, मच, मैनी, सम, सेवरल, ये सब काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में। यस, देखिए आर्टिकल्स जो होते हैं एन और द, ये भी डिटर्मिनर्स में आते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, वो होते हैं व्हाट, विच और हुज। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। पजेसिव, माई, आर, योर, हीज, हर, ये पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं और पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं ये। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स टू टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन। ए और एन जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं उनको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर साउंड्स, कॉन्सनेंट साउंड्स और वॉवल साउंड। ए लगाते हैं हम कॉन्सनेंट साउंड से पहले और एन लगाते हैं हम वॉवल साउंड से पहले। ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स, दे सजेस्ट वन, देयरफॉर दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ए और एन जो होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाया जाता है, जैसे अ बर्ड, एन एनिमल, अ स्पेरो, एन एलिफेंट, ये सब क्या है ये? आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट साउंड लेटर मैटर नहीं करता है, साउंड मैटर करता है। कॉन्सनेंट साउंड, ए हम लगाते हैं कॉन्सनेंट साउंड से पहले, एन लगाते हैं वॉवल साउंड से पहले। अब आप देखिए बी साउंड भी कॉन्सनेंट है और वर्ड भी कॉन्सनेंट है। यहाँ पर देखिए ए वॉवल, तो यहाँ पर हमने एन लगा दिया, या ई वॉवल, तो हमने यहाँ पर एन लगा दिया। ठीक है, अब पहला तो आ गया आपका ए और एन का यूज़, कि ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाए जाते हैं। अब सेकंड देखिए आप, ए प्लस कॉन्सनेंट साउंड, कॉन्सनेंट साउंड ए के साथ, ए कब लगाते हैं हम? कॉन्सनेंट साउंड से पहले लगाते हैं, जैसे कि वी यूज अ बिफोर वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सनेंट साउंड। अ फोन, अ गार्डन, अ पोस्टर, ये आपको लेटर भी कॉन्सनेंट है और साउंड भी कॉन्सनेंट है। बट यहाँ है यू बोट, अ यूरोपियन, अ वन वे स्ट्रीट। अब यूरोपियन यू तो वैसे तो होता है आपका वॉवल, बट जहाँ इसका साउंड अ से निकलता है, जैसे अम्ब्रेला, अनयूजल, तो उसके लिए तो हम लगाते हैं एन। लेकिन यहाँ यू का जो साउंड है, यू निकल रहा है, तो यू से वाई का साउंड आ रहा है और वाई क्या होता है? कंसोनेंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगा दिया, अ यूरोपियन। देखिए ई भी वॉविल है और यू भी वॉविल है, बट ये साइलेंट है। यहाँ पर ये ई और यू दोनों साइलेंट है, क्योंकि इसका साउंड जो है वाई से निकल रहा है, यूरोपियन, तो यहाँ पर हमने ए लगा दिया। वन वे स्ट्रीट, अब ओ भी हमारा वॉविल है लेकिन साउंड किसका निकल रहा है? डब्ल्यू का निकल रहा है, इसलिए कॉन्सनेंट साउंड है, इसलिए हमने अ लगाया। इसीलिए मैंने आपको पहले ही जब स्टार्ट किया था चैप्टर, जब मैंने आपको बताया, अभी बता दिया था कि ए इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सनेंट साउंड, नॉट ओनली लेटर बट ऑल्सो कॉन्सनेंट साउंड। अब लगाते हैं हम एन, एन वॉवल साउंड। वी कैन यूज़ बिफोर
अ वर्ड बिगनिंग विद इन विद द वोवल साउंड. एग्जाम्पल एन एस्प्रिन, एन एग, एन अम्ब्रेला. ये दोनों क्या हैं आपके? साउंड भी वोवल हैं और लेटर भी वोवल है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया. देखिए अब आता है बिगनिंग विद साइलेंट एच टेकन बिफोर दैम. जहाँ ऐसे वर्ड्स जहाँ एच साइलेंट होता है, कौन से वर्ड्स जहाँ पर एच साइलेंट होता है वहाँ पर भी हम एन लगाते हैं. ठीक है, कैसे लगाते हैं? देखिए, वी यूज एन बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए वोवल साउंड. आर एच साइलेंट है, आर बोलेंगे हम इसे. ऑनरेबल पोस्ट, एन ऑनरेबल पोस्ट, यहाँ भी एच साइलेंट है, ओ का साउंड आ रहा है. एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ऑनेस्ट एच साइलेंट है, ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया. ठीक है, However, the H in hotel, holiday, historical, habitual, humble, headache is not silent. Therefore, we use A before them. A hotel, a holiday, and historical film. ठीक है, तो देखिए हमने मैंने क्या कहा आपसे कि H जहाँ silent होता है वहाँ पर हम N लगाते हैं. हमने लगा दिया honorable, ऑनेस्ट एंड आर. लेकिन यहाँ हॉलीडे है, यहाँ एच साइलेंट नहीं है, होटल में एच साइलेंट नहीं है, हिस्टोरिकल में एच साइलेंट नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? ए लगा दिया. ठीक है, अब आप आगे देखिए. एन एब्रेविएशंस, एब्रेविएशंस क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म, किसी भी पोस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल MP, MBA, IAS बिगिन विद वोवल साउंड. एम प्रोनाउंसड इज एम. देखिए जो मैंने हिंदी में यहाँ लिख भी रखा है एम, तो ये क्या है आपका? वोवल है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे. जैसे एम को प्रोनाउंस करेंगे हम EMM, तो MLA वो साउंड, लेटर तो कंसोनेंट है लेकिन साउंड क्या है? वोवल है. सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू ए बिफोर कंसोनेंट साउंड. आई एम एम्फेसाइज ऑन द साउंड, नॉट लेटर. MLA, MBA, IAS, ओके. हाउएवर वी से अ BEd, अ PhD, अ BSc, अ BEd ऑब्जर्वेशन है ये भी. आई एम नॉट टेलिंग दैट कि हमें ऑलवेज एब्रिविएशन्स के साथ में एन लगाना है. नहीं, हमें एब्रिविएशन के साथ में एन लगाना होता है लेकिन जो वो एब्रिविएशन्स जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट होती हैं. अब BEd जो एब्रिविएशन है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वो बी क्या है? कॉन्सनेंट है, इसलिए ये कॉन्सनेंट साउंड से पहले हमने यहाँ ए लगा दिया. अ PhD एंड अ BSc. AN नाउन टू डेनोट क्लास. अब ए और एन कब कब लगाते हैं? ए और एन हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साउंड्स, ओके. इज यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन वेयर इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास. सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम एन का यूज़ करते हैं जहाँ पर ये क्लास को रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्जाम्पल द डॉग is a faithful animal. अब ज़रूरी नहीं है कि हम उस किसी एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, हम पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी डॉग हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि डॉग बहुत फेथफुल एनिमल होता है. ठीक है, अब आप देखिए. हाँ, अ डॉग मेक्स ए वंडरफुल पेट, एवरी डॉग. एन ऑक्टोपस इज अ सी एनिमल, एवरी ऑक्टोपस. मतलब एन ऑक्टोपस हमने लगाया. A dog makes a wonderful pet. ठीक है, हम मैंने अभी थोड़ी देर पहले द का यूज़ भी किया था आई थिंक, तो वो द का यूज़ में भी आएगा ये वाला सेंटेंस, क्योंकि हम जब किसी पर्टिकुलर एनिमल को के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगा के बात करते हैं. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ए और एन की. तो ए डॉग मतलब एक डॉग, कोई एक सा डॉग नहीं, एवरी डॉग मैक्स अ वंडरफुल पेट्स. Every octopus is a sea animal. कोई सा भी एक octopus होता है वो sea animal ही होता है ना, तो an octopus करके हम बात कर सकते हैं. अब next देखिए आप. An noun plus profession, post, nationality and religion. An कब लगाते हैं हम? कोई ऐसा noun जो किसी post, profession, post, एक देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि नाउन, ऐसा नाउन जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड हो, पोस्ट हो, नेशनलिटी हो या रिलीजन हो, उसके से पहले भी हम ए और एन लगाते हैं. फॉर एग्जांपल अ सेक्रेटरी, एन इंडोनेशियन, अ बुद्धिस्ट. अब ए और एन हम लगाना तो है हमें, वो कैसे लगाना है? अकॉर्डिंग टू देयर साउंड्स, डिपेंडिंग ऑन देयर साउंड्स, ओके. तो इंडोनेशियन वोवल है, सेक्रेटरी
एस कंसनेंट है और बी भी कंसनेंट है, इसलिए हमने ए लगा दिया यहाँ पर और यहाँ हमने एन लगा दिया। जैसे कि इंडोनेशियन है, इंडियन है, अमेरिकन है, एन अमेरिकन, अ ब्रिटिशर्स, ओके, जर्मन। ए एन नाउन प्लस डिग्री और टाइटल, किसी डिग्री से पहले और टाइटल से पहले भी हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अ भारत रत्न, एन एम फिल, एन एम एड, एन एम एड डिग्री है बिल्कुल, मैं कहूँ आई एम एन एम एड, आई एम एन एम फिल, आई रिसीव्ड अ भारत रत्न, तो अ क्यों लगाया, क्योंकि बी। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कॉन्सनेंट्स और वोवल साउंड से पहले हम क्या यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए ए एन प्लस नाउन रीड, कोई ऐसा नाउन जिसकी कोई रेट दी गई हो, प्राइस दी गई हो, जैसे 50 rupees a लीटर, 12,000 अ मंथ, 80 माइल्स एन आर। अब आर अकॉर्डिंग टू वोवल साउंड वी हैव टू एड एन एन हेयर, ओके। नेक्स्ट देखिए आप एन एन ए एन प्लस वर्ब नाउन, वर्ब यूज एज अ नाउन, ऐसी वर्ब्स जो यूज आती हैं नाउन की जगह पर, ठीक है ना, वर्ब नाउन मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो नाउन की जगह पर भी काम में आती हैं, और ऐसे नाउन्स होते हैं जो एज ए वर्ब भी काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है वॉक, वॉक करना चलना होता है, लेकिन हम इसको एज ए नाउन भी यूज़ में ले सकते हैं। ऐसे ही होता है हमारा बात, और एक और होता है हमारा वॉचर, और एक और होता है हमारा वर्क, वर्क काम करना और वर्क काम दोनों के लिए काम में आता है, वाटर पानी देना और वाटर पानी, ठीक है। अब देखिए ग्रैंडपा इज गोइंग फॉर ए वॉक, ग्रैंडपा जा रही हैं, अब दो बार तो वर्ब आ नहीं सकती, गोइंग आ गया, तो इट मीन्स ये यहाँ पर नाउन की जगह पर यूज़ में लिया गया है, क्योंकि दो वर्ब नहीं आ सकती। जब दो वर्ब आती हैं तो इस लास्ट वर्ब के बाद टू आता है, जो कि टू इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है, तो यहाँ तो टू है नहीं, ए और एन आया है, जब ए और एन कोई आर्टिकल आपका आया है तो उसके बाद ऑब्वियसली ये कोई नाउन है। अगर कोई आर्टिकल पहले यूज़ में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो कोई नाउन है या कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि हम किसी एडजेक्टिव से पहले भी हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम अ ब्रेव लेडी, तो ब्रेव एडजेक्टिव है, तो मैं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। तो ग्रैंडपा इज गोइंग फॉर ए वॉक, जैसे ग्रैंडपा इज हैविंग ए बाथ, अब बाथ ना आ रही है, तो हम ऐसे वर्ब जो नाउन के रूप में भी यूज़ में आती हैं उनसे पहले भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए एन प्लस एडजेक्टिव नाउन, अभी मैंने आपको बताया एडजेक्टिव नाउन कि ब्रेव लेडी, लेडी नाउन है और ब्रेव एडजेक्टिव है, तो इसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे एन एक्टर, अ वर्सटाइल एक्टर, एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर, देखो यहाँ सिर्फ नाउन था एन एक्टर, अब वर्सटाइल एक्टर आ गया, तो हम इस एक ही इस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे ए आई ए एन, हम इस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे ये वर्सटाइल है तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए, यहाँ एक्सपीरियंस्ड है तो हमने एन लगा दिया, क्योंकि ये क्या है आपका वॉवल है, ठीक है। अब कुछ फ्रेजेज हैं आपकी जो हमेशा ये इसके साथ में यही फिक्स हैं, ये वाले आपके आर्टिकल्स कि हाँ इन फ्रेजेज के साथ में यही आर्टिकल आते हैं, जैसे कि अ पिटी, अ शेम, अ प्लेजर, अ नॉइज, अ न्यूसेंस, ग्रेन ऑफ ट्रूथ, अ बैड कोल्ड, अ स्लीप ऑफ द टंग, एज अ रूल, एज ए होल, एज एट अ ग्लैंस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन अ मिनट, इन अ लो वॉइस, एज अ रिजल्ट, टू बी इन अ हरी, डू अ फेवर, हैव ए प्रॉब्लम, मेक एन अपॉइंटमेंट, क्वाइट अ फ्यू, टेक ए ब्रेक, मेक ए लीविंग, मेक ए फॉर्चून, गिव अ लिफ्ट, गिव अ राइड, टेल अ जॉक, टेल ए लाई, ये क्या है आपकी कुछ फ्रेजेज हैं जो फिक्स हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपका जो वीडियो है, मैं सिर्फ आपको यहाँ तक ही कर रही हूँ, आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये सारे एक बार पढ़ना है और इनको नोटबुक में एग्जाम्पल सहित आपको इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। टिल देन, थैंक यू।